हयात को तेरी दुश्वार किस तरह करता, उधार पर ही निसार किस तरह करता, कि हो गए हैं इकट्ठे सभी सियासी हरीफ, मैं फिर से उन पे एतबार किस तरह करता। कोरोना की लहर है तेज होती जा रही, फिर भी आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो स्पोर्ट्समैन लग रहे हैं सर। स्पोर्ट्समैन कौन से ऐसे कपड़े पहनते हैं? फिटनेस के लिहाज से कह रहे हैं। यस वासे भाई वर्गे स्पोर्ट्समैन है ना जी, बस अपनी वारी लेके दूसरे खिलाड़ी नु कह रहे होंगे बारिश होने वाली घर चली गई। टेस्ट मैच हो रहा होते अंपायर के कान जा कहते हैं आज पांच पांच ओवर का हो जाए। एक दफा ग्राउंड में खेलने के लिए गए। अच्छा। आगे माली घास काट रहा था, उन्होंने कहा वाल भी कट लेना है। ग्राउंड च मैच वेखण गए तो जहाज लंघ रहा, प्लेयर नु कह रहे हो छक्का ना मारी जहाज दे शीशे टूट जाणगे। इहो जे बैट्समैन वारी लैण जाण लगे कहिंदे ने जे जीरो लवां तां मन्नो। अंपायर नहीं बैठा होता, उसकी विंडो में हाथ डाल के कहने लगे दो गैलरी दी दे देने। पर यार स्टेडियम तो छाल मार के अंपायर नु जा कह रहे भाजी नान टिकी वाला कदों आएगा। प्लेयर ने शॉट मारी उच्ची गेंद गई तो दुआ करन लग पे जे साडे घाट टुर गई मैं तो नहीं वापस करनी। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं मुल्तान से जनाब सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल बख्तावर अंजुम। वेलकम टू द शो जी, मेरा सोना शहर मुल्तान। हाय हाय हाय। फैशन मॉडल के पहलू में बैठे हैं इब्राहिम हमारे। हाय हाय हाय। पीटीआई के एमएनए हैं, होठों पर मुस्कान सजाए। अगले इलेक्शन के लिए इनका वोट तो पक्का कर लिया होगा, कच्चे पक्के वादों पर बैठे न रहना आस लगाए। आवाम दे नाल मखौल नहीं चंगा। आवाम दे नाल मखौल नहीं चंगा, नित महंगा पेट्रोल नहीं चंगा। ते नून लीग नू लोकी याद करदे ने कहिंदे ने पीटीआई दा दौर नहीं चंगा। जो ख्वाब हमने देखे थे वो क्यों अधूरे लग रहे हैं? हाए, 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 हाए। जो कपड़े बहुत छोटे थे वो क्यों पूरे लग रहे हैं? जो जलसे आप खुद किया करते थे खान साहब, आज पीडीएम कर रही है तो क्यों बुरे लग रहे हैं? बुरे लग रहे हैं जी खान साहब, क्यों बुरे लग रहे हैं? सर बिल्कुल नहीं बुरे लग रहे, हमने तो कहा है कि आप जितना मर्जी खुल के जलसे करें हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन सिर्फ दो महीने ये जो कोविड का अजाब आया हुआ है, अल्लाह इससे पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया की जान छुड़ाए, आमीन। उसके बाद जितने मर्जी आप जलसे कर लें हम आपको। सर जी तो तुसी जलसे कर दे तो सर कोरोना की छुट्टियां तो चला जाता है सर। उस वक्त आया नहीं, उस वक्त आया ही नहीं था, उस वक्त कोरोना नहीं था। वो जब वो हुआ था जो खान साहब की कॉन्फ्रेंस इतनी आप लोगों ने की थी, इतने टाइगर इकट्ठे किए, उस वक्त कोरोना नहीं था? नहीं सर, उसमें देखें 200-400 या 500 आदमी को आप मैनेज करके उनको डिस्टेंस पे बिठा के जिस तरह भाई मेरे बैठे हुए हैं एक डिस्टेंस रखा हुआ है जी, वो तो आप कर सकते हैं। आप हजारों लोगों को मैनेज इस तरह नहीं कर सकते, नतीजतन फिर अगर उनमें से कोई इन्फेक्टेड आदमी हो तो वो मतलब कि आप कोरोना पड़े लिखे सर 400 बंदे का लिहाज करता है, लेकिन अगर सोशल डिस्टेंसिंग कर ली जाए तो कोई मजायका नहीं है उसमें। अभी अब वो कर रहे हैं तो हमने कोई उनको क्या असी को कुहाड़ी तो नहीं मारते? नहीं बाज नहीं रही, तुझे तो कुहाड़ी मारने की कोशिश कर रहे हैं यार। वैसे आज आपको सर सूट में देख के मुझे एकदम पता नहीं क्यों ये ख्याल आया, आपको कभी किसी ने कहा हुआ है कि आपकी शक्ल जो हमारे फिल्म स्टार नदीम बेग साहब है उनसे मिलती है?
एकदम एक झलक आई नदीम बेग साहब की। मैं असल में ज्यादा टाइम क्योंकि बाहर गुजारा है, अच्छा, तो इधर कम वक्त गुजरा फिर, लेकिन जब से आया हूँ तो वो फिर गाँव में देहातों में किसी ने कहा नहीं आपको यार, किसी से नहीं इसकी। अच्छा, नहीं, मसल लागे तो सी फिल्म सर नदीम साहब ही रहे, कभी तो किसी ने क्या सर शबनम का नंबर है। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने यहाँ पे ये भी देखा है कि जी फला इंडियन स्टार के साथ मिला देते हैं शक्लबाज लोगों की। हाँ जी बिल्कुल, तो बड़े खुश हो रहे होते हैं, तो मुझे तब चढ़ती है। आपने, मैं आपका शुक्र गुजार हूँ कि आपने पाकिस्तान के ही किसी शहरी के नाम से नहीं मिलाया, और वो बड़ी मुझे बेग साहब से। आपका क्या हाल है मैडम? मैं ठीक ठाक, आप सुनाए? बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोग फॉलो कर रहे हैं एसओपीज को अपनी दुनिया में फैशन की? बिल्कुल करना पड़ रहा है। क्या कर रहे हैं? वी हैव टू वेयर मास्क और हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा काम बहुत इफेक्ट हुआ है, मॉडलिंग का भी, फैशन का भी, एसओपीज के साथ साथ सबसे पहले काम बहुत स्लो हो गया है। मॉडलिंग करते डिग जान, दवाई नहीं लाते, सैनिटाइजर ला देते हैं। बस अभी तक ग्लिच सी, अभी तो कोई बेहतरी आई थी, लेकिन आई गेस दोबारा से हालात का हो रहे हैं। आपके फैशन शोज या नहीं? नहीं, फैशन शोज होने थे, काफ़ी होने थे। उम्मीद तो यही थी कि अगर हालात बेहतर रहते तो अप्रैल मार्च तक हम करते, लेकिन जिस तरह अब ये न्यू वायरस आ रहा है और चीज़ें और बुरी हो रही हैं, तो मेरे ख्याल से अब पॉसिबल। एक दो बीच में फैशन शोज आप लोगों के गालिबन हुए भी, और आई थिंक उसके अंदर भी कुछ केसेस निकल आए थे। बिल्कुल हुए थे, बट विदाउट ऑडियंस हुए थे, वो वर्चुअल फैशन शोज नहीं, वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें तो ऑडियंस थी, तभी तो केसेस निकले थे आगे। शुक्र है, आई वाज नॉट द पार्ट ऑफ दैट शो, शुक्र है। चलिए, ये तो बचत हो गई आपकी। और वैसे जिंदगी मुतासर हुई है? बिल्कुल, बहुत। क्या मुतासर हुई, पर्सनल या प्रोफेशनल? आप दोनों बता दीजिए, जो मुतासर हुई हैं। प्रोफेशनल तो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई है, काम स्लो हो गया, ऊपर से। और पर्सनली क्या हुई है? घरों तक ही महदूद रह गए। घरों तक महदूद हो गए हैं, ट्रैवलिंग वगैरह नहीं हो रही? काफ़ी लोगों ने तो शादियां कर ली घरों में बैठ बैठ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कोरोना से तंग आकर लोगों ने घरों में बैठ के शादी कर ली। बहुत शादियां हुई, आपको नहीं आइडिया? नहीं, मगर ये क्या सीजन में जितनी शादियां हुई हैं, ये थॉट प्रोसेस क्या था? खर्चा बचाने के लिए क्या ये थॉट प्रोसेस था? मुझे लगता है लोग घरों में बैठ के काफी लोनली हो गए थे, उन्होंने कहा घर ही बैठना तो शादी करा लो, हम सफर को भी घर ले आते हैं और घर में बैठ। अच्छा, तो ये हुआ, ये तो हमें नहीं आइडिया था। तो आपके कोई जानने वालों में आपको ऐसा हुआ इत्तेफाक? मेरे जानने वालों में शादियां हुई हैं, ऑब्वियसली काफी लोगों की हुई हैं। बख्तावर, वैसे जैसे आपका नाम बख्तावर अंजुम है तो सर नेम कब चेंज कर रही हैं? शादी की बात अगर हो रही है तो जरा कर लो, कोरोना तो चल ही रहा है। जब कोरोना चला जाएगा तब मैं सोचूंगी, फिर मैं डेस्टिनेशन वेडिंग करूंगी। डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहती हैं आप? कहाँ पे है डेस्टिनेशन? टर्की। टर्की, अच्छा, आजकल ये बहुत एक फैशन चला हुआ है टर्की में डेस्टिनेशन वेडिंग करने का। सस्ती शादी की ही डेस्टिनेशन, ये सस्ती शादी नहीं होती। यानी कि किसी मकाम पे जाकर शादी करना चाहते हैं, जैसा कि वो टर्की जाके शादी करना चाहती हैं। उसके लिए लड़का बहुत अमीर होना चाहिए। जिस तरह उन्होंने कहा टर्की, कहीं लोग श्रीलंका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, तो कहीं भी डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकती है। आपके हालात के मुताबिक डेस्टिनेशन वेडिंग सिर्फ मुरीद के में हो। आप एग्री करते हैं? डेफिनेटली जी, जहां असली ज्यादा खुश होइए तो मुल्तान चले जाइए बस। वैसे ऐसी डेस्टिनेशन वेडिंग आप चलेंगे? वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी जी। हां जी, दुनिया में बिल्कुल। लाहौर तो इसलिए तहसील हुआ करता था मुल्तान की जी, दुनिया का पुराना नक्शा उठा के आप देखें जी, ऐसे ही नहीं तो बिल्कुल डेस्टिनेशन नजर चले जाएगी। तो शौक ही नहीं है, उनका शौक है। आर यू कन्विंस्ड कि ये भी डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकती है मुल्तान में? बिल्कुल नहीं, मुल्तान तो नहीं सोचा था, इनकी करा दे मुल्तान में। आप टर्की जाके क्या करेंगे? टर्की में ऐसा क्या है? Why would you want to go there? क्योंकि टर्की मुझे बहुत पिक्चर्स में भी, मैंने वैसे पर्सनली विजिट ही किया फर्स्ट। अच्छा, विजिट भी नहीं किया और आपने लोगों की तस्वीरें देख देख के अंदाजा लगा लिया कि टर्की बहुत अच्छा है? क्योंकि मेरा ड्रीम है ना, सो ड्रीम्स वही होते हैं। मगर आपको मुल्तान में तो गर्मी होती है, तो एक हुंजा में भी एक है किला। हाँ, पहाड़ वगैरह तो आपको हुंजा में भी, नॉर्दर्न एरियाज में मिल जाएंगे। टर्की में ऐसा क्या आपको पसंद है? टर्की इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है, और एक मेरी ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान से बाहर जाके ही कुछ किया जाए, तो अगर मैं कहीं जाना चाहूंगी दैट वुड बी टर्की। लेकिन पाकिस्तान से बाहर आपने निकलना है, आप अफगानिस्तान की तरफ निकल जाए, कितना खर्चा क्यों करवा रही हैं सर? वो तो पटास लैंड जानी उन्होंने। सारी जिंदगी पाकिस्तान में ही रहना है तो व्हाई नॉट शादी तो बंदा कहीं बाहर जाके। तो मैं आपको बाहर का ही बता रहा हूँ, मैं कौन सा आपको मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान से बाहर, आपको पता है नहीं बात। लेकिन मुझे टर्की से नफरत है सर। क्यों? मैं एक मरतबा स्विमिंग कर रहा, मुझे टर्की नहीं आती, बहुत गोते आए मुझे। मगर टर्की अगर जानी जाए तो कोई टर्किश साहब हो तो बंदे को समझ भी आती है इतना खर्चा करने की। क्यों खान साहब, अब बंदा इतना खर्चा कर दे टर्की जाके, क्यों आप ऐसा करना चाह रही?
अभी मैंने जगह फाइनल कर ली है, प्लान फाइनल कर ली है, बस दूल्हा फाइनल कर। दूल्हा भी आज हो जाएगा इंशाल्लाह, वो भी हो जाएगा। डिजाइनर कौन होंगे? पाकिस्तान में होंगे तो HS5, और अगर इंटरनेशनल लेवल पे तो सब्यसाची। तो पाकिस्तान में सब्यसाची क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो इंडियन डिजाइनर है, तो इंटरनेशनल, तो उन्होंने खुद तो नहीं आना, उन्होंने कपड़े बिछवाने। अगर उनके टमाटर आ सकते तो कपड़े भी आ सकते। सही बात है, मतलब पाकिस्तान से HS5 हो गए और इंटरनेशनल पे सब्यसाची हो गए। HS5 ते पैसे ही नहीं लंदा, मैंने ते चार भरावां दा विआह कर लेने। सब्यसाची जिन्हें पैसे लंदे उन्हें ते HS5 चार हो जांदे ने। नहीं है अपना कोई खास रंग आली जा, मगर हालात से है काफी तंग आली जा, और अब तो हम भी यकीन से ये कह नहीं सकते कि भूख है या ज्यादा है नंग आली जा, हमारी जान ही ले ले रखिएगा करप्शन से जंग आली जा, क्या ही बात है आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सरदार साहब, आप इतना अरसा मुल्क से बाहर रहे, 18 साल आपने बाहर गुजारे, पिज़्ज़ा पैसा पा के दोस्तों ने मंगवा दिया कि गले, जिसके घर पे कोई आया हो तो ज़ाहिर है वही मंगवा लेते। मगर वो मैं बात करने लगा था कि आपने 18 साल बाहर गुजारे, यू नो व्हेन इन यंग एज यू वेंट एंड देन यू स्टेड देयर। हां जी, मुझे एक बात बताइए कि अब खान साहब का हमेशा एक बड़ा वो रहा है पर्सपेक्टिव के जी पाकिस्तान आके काम करें, जो बाहर बैठे हैं पाकिस्तान आके काम करें। वेयर इज यू नो दैट इट्स आई गेस जिस किसी का भी यंगस्टर्स होते हैं उनका एक बड़ा होता है हमेशा, यू नो जो प्रोफेशनल कैरियर्स में होते हैं कि हमने बाहर जाके काम करना है। कैन यू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ यंगस्टर फील्स एंड नाउ व्हेन यू आर आस्किंग देम टू कम बैक एंड वर्क इन पाकिस्तान? आई मीन हाउ डिफिकल्ट इज इट एज अ चॉइस? मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल क्यों करूंगा जी। मैं बाहर गया, वहां पे रहा, मेरा बिजनेस था अपना, शुरू से थोड़ा बागी ज़हन था कि किसी गोरे वोरे के पास काम नहीं करना, अपना काम खुद ही करना है, ताकि उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो उसका कल को मुझे ही हो, किसी को उसका फायदा या नुकसान के बजाय। तो मैं वहाँ पे रहा 2002 तक। जब पाकिस्तान आने का डिसाइड किया तो फिर मैंने यहाँ पर आके दो बिजनेसेस स्टार्ट किए जी। एक में तकरीबन कोई 700 के करीब एम्प्लॉयज थे जी, और एक और मेरा इम्पोर्ट का था जी, पेस्टिसाइड्स वगैरह का, क्योंकि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से थे, तो उसमें 300-400 मुलाजिम वहाँ। मकसद अगर एक आदमी वापस आकर बिजनेसेस एस्टेब्लिश करके 1000-1200 लोगों के लिए रोजगार के मौके देने वाली तो अलग ही जात है। बेशक को मैंने को उनको को मुफ्त नहीं दे रहा था, लेकिन ये है कि आपने अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी। जब खान साहब कहते हैं ना जी कि करोड़ नौकरियां, फिर ये मजाक उड़ाते हैं जी किधर है करोड़ नौकरियां। करोड़ नौकरियां ये होती हैं कि दुनिया के आप किसी मुल्क में चले जाएं, सरकारी नौकरी नहीं होती। जॉब क्रिएशन होती है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, उसमें फिर लोग जो है मैक्सिमम उसमें जॉब्स करते हैं। माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट वुड यू रिकमेंड आज एक यंग 24-25 साल का लड़का या लड़की जो है वो यहाँ से पढ़ने के बाद क्या वो बाहर जाके काम करे, सेटल हो, या फिर आप उसको कहेंगे कि पाकिस्तान रहे वो? मैं उसको ये कहूँगा जी कि अगर टैलेंट है तो फिर मेहनत करे, और मेहनत का उसको इंशाल्लाह सिला मिलेगा, इसी मुल्क में भी मिलेगा, दुनिया में जहाँ भी चला जाए। जो शख्स मेहनत कर सकता है ना जी और डिटरमिनेंट है, उसने कामयाब होना ही होना है। सर मेहनत करते रहो, 22 साल बाद होता सिला मिल ही जाता है। बिल्कुल आपके सामने है जी, हालांकि उनका फील्ड नहीं था। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आपने दोनों साइड्स देखी हुई है। मैंने दोनों साइड्स देखी। हाँ, तो ये एक बड़ा हमेशा आई थिंक यंगस्टर के लिए ये क्रूशियल पॉइंट होता है टू डिसाइड, या अगर वो करना चाह रहा हो कि मैं बाहर जाऊँ या फिर मैं पाकिस्तान में ही रहकर करूँ, अपने मुल्क में काम करूँ। जो जिंदगी में चीज देखी है ना जी, एंटरप्रेन्योरशिप, जिस शख्स में ये अर्ज है कि मैंने कुछ आगे बढ़ना है, तो बजाय ये नौकरियां ढूंढने के वो अपने चाहे छोटे से छोटे कारोबार से शुरू करे, अपना शुरू करे, उस पर मेहनत करे। जब मेहनत इंसान करता है तो फिर अल्लाह पाक उसका रिवॉर्ड दे। हम नॉर्मल जिंदगी में जो है अपना जो अल्लाह पाक ने हमें ज़हन अता फरमाया हुआ है उसका हम 10% भी यूटिलाइज नहीं करते। बहुत अच्छा। अगर हम उसकी यूटिलिटी शुरू कर दें ना जी, और उसको सही डायरेक्शन में, नेगेटिव सेंस में नहीं, तो इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स इंसान को मिल सकते हैं। बहुत अपने पे यकीन होना चाहिए।
What are you? You know, it's a very painful life. Why? One and a half day, I was in police custody. Why? Saturday night, no, minu ek marriage party da function mile. Othe main nagma surai kar reha sa. Theek hai. Bare note hoye uton. Othe minu 27,000 hoye. But ode vich kise ne minu ek na 500 da note fake de dita. Main svere uth ke breakfast karan gaya. ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਆਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆਵੇ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਖਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਵਾਸੇ ਚਬੋਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਵਾਕਫ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਫੇਕ ਨੋਟ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾ ਚਲਾਈ, ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਭਾਣਾ, ਮੈਂ 42-43 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਡੂ? ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਨੀ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪੀੜੀ ਪਾ ਕੇ। ਸੋ ਵਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਡੂ? ਮੈਂ ਸਰਦੀਆਂ ਪੀਪਲ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਆਈ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਬਾਰ। ਸਰਦੀਆਂ ਕੀ ਰਾਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੋਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਜਸਟ 15,000 ਬਸ। 13,000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ 2,000 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੁਲਬ ਬਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਬਿੱਲ? ਉਹ ਆਇਲਾ ਪੀਟੀਆਈ ਮਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਤੁਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਣ ਗਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ, ਸੁਨੇ ਬੜੀ ਟਾਪ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਾਲੇ 5,000 ਘਾਟੇ। ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਇੰਜ ਮੰਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰਿੱਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਤਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਨਹਿਰ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਮ ਸੌਰੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਨੀਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਫਿਰਦੌਸ ਆਸ਼ਿਕ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਆਜ਼ ਹਸਨ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਭਈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜਸਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿਓ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਫੀਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਭਰਪੂਰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ ਬਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਹਮ ਪੱਟੀ ਕੇ ਲਈ ਕਿਸੀ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ, ਸਿਆਸੀ ਮਰਹਮ ਪੱਟੀ ਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਡਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਰੋਡ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਡਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਕੋ ਹਮ ਅਕੇਲੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇਂਗੇ, ਸਿਆਸੀ ਮਰਹਮ ਪੱਟੀ ਕਰੇਂਗੇ, ਅਲਬੱਤਾ ਆਵਾਮ ਕੋ ਸੜਕ ਪਰ ਗਿਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਹਮ ਪੱਟੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ,
ਜੌਹਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਇਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ੌਹਰ ਇਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਇਕੱਠਾ ਖਾਦਾ ਸੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਟੀਆਈ ਚ ਨੇ ਯੈਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਬਈ ਬੜੇ ਨਫੀਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ 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 ਬੜਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਨੇ ਹਾਂ ਆਓ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਬਸ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਾ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਠੀਕ ਨੇ ਸਰ ਹੁਣ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਆਓ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਜਮਾਨੇ ਬਖਤਾਵਰ ਸਾਹਿਬ ਯੈਸ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੌਂਗ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡਮ ਦਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਆਪਕੋ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਗਰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕੱਢ ਲੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਮੰਜੀ ਬਿਸਤਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਚੋਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਇਸੇ ਕਹਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੈਰੀ ਨੈਸੈਸਰੀ अच्छा अगर टर्की दी किसी को टिकट ना हो की करे बंदा वो उनको उन्होंने बता दिया ना वो फिर मुरीद के जाए मुरीद के ही वैसे आप टर्किश ड्रामे देखती हैं अभी मैंने अर्तुगल स्टार्ट किया था लेकिन आई गेस वो काफी लंबा था वैसे देखते हैं मगर आपने उसमें देखा अर्तुगल जैसे गुड लुकिंग वहां पे होते हैं मर्द सर आपने देखा अर्तुगल मैंने नहीं देखा जी सर आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा आपने क्यों नहीं देखा सर मेरा सिलेबस अपना है मैं उसको फॉलो खान साहब ने कहा था आपने देखा ही नहीं खान साहब ने उन्होंने क्या कहा अर्तुगल देखो कहते जैसे इलाके के हालात देखिए कि अर्तुगल देखिए मगर ये बात बिल्कुल सही की अच्छा हल्के के भी मुल्क के भी हैं जी अब तो नेशनल असेंबली के मेंबर हैं सिर्फ हल्के तक तो यू नो ये चीजें भी करनी है तो इसलिए कहां अर्तुगल के लिए टाइम मिलेगा वैसे सर आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया 18 साल होने वाले 18 साल हो चुके हैं एंड यू गॉट मैरिड व्हेन यू वर इन अमेरिका यस आई डिड अच्छा तो सर वहाँ पे कोई ऐसी बेहतर जगह होंगी जो शायद टर्की का मुतबादल साबित हो सके मुतबादल को देखना है तो फिर जीबी में आप चले जाएं तो आप टर्की को भी भूल जाएंगे अमेरिका को भी भूल जाएंगे सिर्फ डिफरेंस एक चीज का है टर्की का भी और चाहे मैं कैलिफोर्निया में था कि वहाँ पे वो ओशंस हैं हाँ, यहाँ पे आपको रनिंग रिवर्स जो है ना जी खूबसूरत और शफाफ पानी वाले वो आपको मिलते हैं ये जीबी बाय द वे ग्रेट ब्रिटेन नहीं है गिलगित बल्तिस्तान गिलगित बल्तिस्तान आप कोई कन्विंस हो रही हैं और अगर आपको अभी भी कोई टर्किश हौका बाकी है तो हम आपको 3-4 एक्स्ट्रास मंगवा देंगे जो बारात में आपको टर्किश ही कपड़े पहन के फिरेंगे काफी खर्चा कम हो जाएगा या नहीं आपका दिल अड़ा हुआ है नहीं अब इतना मुझे बताया जा रहा है तो आई विल कंसीडर दैट सोचते हैं इस बारे में विजिट कर लें वहां पे पहले विजिट कर लें अगर पसंद आ जाए तो फिर डेफिनेटली क्योंकि हर इंसान की अपनी चॉइस होती है ना चले ठीक है टर्की वगैरह टर्की तो है तो लड़का कैसा मसलन होना चाहिए टर्की में होना है तो टर्किश टाइप सा ही होगा टर्किश टाइप सा क्या होता है मतलब टर्किश लगता हूं खुल के मेरा नाम ले आप कद लंबा होना चाहिए रंग फेयर होना चाहिए ओए हो इतना अच्छा बोलता हो अच्छा चलता हो अच्छा क्या बोलता हो मीठा तलफ्फुज हो जिसका अरे जुक्तो वाला ना हो तलफ्फुज मीठा हो मैडम तलफ्फुज किस चीज का टर्किश का सही हो इंग्लिश का सही हो उर्दू का सही हो किस चीज का हर ज़बान का हर जबान का तो ये बड़ा मुश्किल है उनकी भी आगे से ही कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे वाले इतनी फ्लुएंट आपको नहीं मिलेगी उन्होंने पंजाबी नहीं आनी नहीं एक बड़ा मसला है कि वो टर्किश तो बोल लेगा मगर वो पंजाबी में झुकते नहीं कर पाएगा आप तो एक लाहौरिया हैं तो आपको कैसे मिस आउट नहीं करेंगी आप इसमें नहीं फिर बेहतर आ जाए करूंगी झुकते खाने के लिए चलो बस दोबारा आ जाऊंगी वैसे आपने भी कहा कोविड के अंदर ट्रैवलिंग भी नहीं हो रही थी हमें बाखबर जराये से पता चला कि आप तो ट्रैवलिंग भी करती रही हैं पॉलिटिशियंस की तरह हंसे नहीं बताइए ट्रैवलिंग नहीं बस एक दफा ही मेरा चक्कर लगा ये देखें सर मैडम जो है वो बिल्कुल पॉलिटिकल उस पे चल रही है जिस तरह पॉलिटिशियंस इनकारी हो जाते हैं 16-18 साल हो गए ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ
ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੋ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਐਸੇ ਦੱਸੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰ ਕਲਾਸ ਲੱਗ ਗਈ क्या घर वालों ने हाँ भाई ये बताओ तुमने कैसे ये चॉइस कैसे किया अच्छा ये आपने जी बिल्कुल एक तरफ मकसद है कि बहुत ही ज्यादा महंगे जी वो था और दूसरी तरफ मैं तो आउट ऑफ डेस्परेशन दूसरा चॉइस मैंने किया जी अच्छा और तो कोई एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी हाँ, तो एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ी बिल्कुल और वो एक्सेप्ट हो गए आपके शो से जाके घर में डांट बड़ी पड़ती है लास्ट टाइम आपने मुझसे भी पंजाब के सीएम का नाम पूछा था उस टाइम पे उस्मान बुज़दार साहब का उस टाइम पे उस्मान बुज़दार साहब थे और मेरे अबू को इतना गुस्सा चढ़ा कि वो क्यों थे क्यों नहीं पता था चल गया ना कि उस टाइम पे उस बुज़दार साहब थे अबू को तो पता था नहीं अबू नहीं आपको पता था ना अब तो सारी लाइफ मुझे याद तो अब आपको पता है आजकल कौन है सीएम पंजाब के वही नहीं है उस वक्त से लेके अभी तक वही सीएम चल रहे हैं आपको कोई नहीं पता आजकल कौन सीएम है नहीं क्या कर रहे होंगे नहीं आइडिया बिल्कुल भी आपको नहीं मुझे उस्मान बुज़दार साहब का ही पता है आपको पता ही नहीं है आप देखेंगे शो फिर आपके वाले साहब आपको बताएंगे कि कौन है चीफ मिनिस्टर आजकल तुसी दसो कौन है नहीं ठीक कह रहे थी जो वो थे वही हैं इस वक्त भी वही हैं वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी तो 2020 का आगाज करते हैं जी इब्राहिम साहब ये बताएं आधी रात का वक्त है आप शदीद बोर हो रहे हैं फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है वो एक कॉल अपनी बोरियत को खत्म करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगे ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान और जनाब असफंद यार वली मैं अपनी बीवी नू करेंगे जी नहीं नहीं आप तो अब मुझे बताइए सर के किसको करेंगे इन दोनों में से कॉल या फिर जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे असफंद यार वली असफंद यार वली ठीक है ये बताइए सर चांद पर जाने के लिए इस रॉकेट के अंदर आप बैठे हैं दो सीट्स हैं एक आपकी अपनी है दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं लेकिन जिसको आप चांद पर लेके जाएंगे ना उस शख्स के वापस आने की गारंटी नहीं है ऑल्दो यू विल कम बैक कौन होगा वो जिसको चांद पर लेके जाना चाहते हैं आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत और जनाब फयाज़ुल हसन चौहान डॉक्टर आमिर लियाकत होंगे वो अक्सर वही होते हैं असेंबली के लिफ्ट में आप एंटर हुए तीन लोग आपको ऑलरेडी वहां पे मौजूद मिले एक के साथ आप सेल्फी लेंगे एक को आप कर्टसी में स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फवाद चौधरी जनाब फैसल वाडा और जनाब अली जैदी सेल्फी किसके साथ लेंगे बेसिकली तीनों में से किसी के साथ नहीं लेना चाह रहा सेल्फी नहीं ले रहे फैसल वाडा से सेल्फी हो गई स्माइल किन को कर रहे हैं अली जैदी और किसको कह रहे हैं कि फ्लोर आ गया फवाद चौधरी को ठीक है ये बताएं सर फिर वही सवाल टाइटैनिक पर जाने का वक्त दो वीआईपी पास एक अपना दूसरे में किसी और को लेके जा सकते हैं किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान महवेश हयात सबा कमर और राणा सनाउल्ला क्या कॉम्बिनेशन ढूंढा है आपने चक्कर आ गया जानते फिर अगर राणा साहब का नाम लेने खान साहब ने नहीं छड़ना जे किसी कुड़ी का लेने भाभी ने नहीं छड़ना महवेश ठीक है ये बात नोटिस कीजिए अभी मैंने चार नाम दिए थे जिनमें से तीन खवातीन थी उन तीन के अंदर से इन्होंने कहा महवेश ठीक है ठीक है सर डूबती कश्ती दो लाइफ जैकेट्स एक अपनी दूसरी देकर किसी की जान बचानी है वो दूसरी लाइफ जैकेट इनमें से किन को दे रहे हैं आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब चौधरी परवेज इलाही और जनाब उस्मान बुज़दार चौधरी परवेज इलाही जी बख्तावर लिफ्ट में एंटर हुई तीन लोग मौजूद एक के साथ सेल्फी एक को स्माइल और एक को कहना कि आपका फ्लोर आ गया ऑप्शंस हैं हानिया आमिर इकरा अजीज और मावरा हुसैन सेल्फी किसके साथ सेल्फी इकरा अजीज के साथ स्माइल किन को है मावरा और किन को कह रही कि फ्लोर आ गया हानिया आमिर आपको कहा जा रहा है कि फ्लोर आ गया ये बताएं इनमें से किसको आप इंस्टाग्राम के ऊपर ओपनली फॉलो करेंगी किसको आप सीक्रेटली फॉलो करेंगी और किसको आप अकाउंट देखते हैं उनको ब्लॉक कर देंगी ठीक है ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान फहद मुस्तफा और अली जफर तो ये बताएं कि किसको आप सीक्रेटली फॉलो करेंगी फवाद खान और किन को आप देखते ही ब्लॉक कर देंगी अली जफर और ओपनली फॉलो कर रही हैं आप फहद मुस्तफा को ठीक है टाइटैनिक पर जा रही हैं दो वीआईपी पास हैं एक अपना है दूसरे पे किसी और को लेके जाना है किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी ऑप्शंस हैं अदनान सदीकी और हुमायूं सईद अदनान सदीकी बहुत मैटर ऑफ फैक्टली उन्होंने बोला ये और ये बताएं डूबती कश्ती दो लाइफ जैकेट एक अपनी दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देंगी ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इब्राहिम खान साहब और कैसर पिया आए चलें
इब्राहिम खान साहब थैंक यू सो मच बींग ऑन द शो। बख्तावर अंजम आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों सर।